बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। मेरे प्यारे से नाज़रीन को खुश आमदीद। देखती आँखों और सुनते कानों को बिनते आबिद की तरफ से अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके लिए मशहूर अमरीकी राइटर डेल कार्नेगी की किताब दौलत, शोहरत और कामयाबी के साथ उसूल का दूसरा चैप्टर लेकर हाजिर हुई हूँ। जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो देखी है वो जानते हैं कि मैंने उसमें चैप्टर नंबर 1 अपने आप को पहचानिए, दुनिया में आप जैसा कोई नहीं को कवर किया था। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं आखिर में शेयर करूंगी, वहां से देख लीजिएगा। और आज जो हमारा दोम बाब है चैप्टर नंबर 2, उसका नाम है काम करने के 4 तरीके। जी हाँ, दूसरे बाब का नाम है काम करने के 4 ऐसे तरीके जिनसे ना थकन हो और ना ही परेशानी। तो पहला तरीका जो बताते हैं वो ये है कि जो मसला फौरी तौर पर दरपेश हो उसके सिवा तमाम कागजात अपनी मेज से हटा दीजिए। शिकागो और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के सदर रोलैंड विलियम्स का कहना है कि अपनी मेज पर मुख्तलिफ मसाइल से मुतल्लिक कागजात का ढेर लगाने के बजाय सिर्फ फौरी तवज्जो के हामिल कागजात रखे जाएं तो काम करना निहायत ही आसान होता है। ये सलीका शियार होने की अलामत है और कारकर्दगी को बेहतर बनाने की जानिब पहला कदम। अगर कभी आप वॉशिंगटन कांग्रेस लाइब्रेरी जाने का इत्तेफाक हो तो आपको मारूफ शायर पॉप की नज़म का ये मिसरा छत पर कुंदा दिखाई देगा कि तरतीब इस कायनात का पहला उसूल है और इसी उसूल का इतलाक आपके कारोबार पर भी होता है। लेकिन क्या वाकई इस उसूल पर अमल दरामद भी किया जाता है? जी नहीं। अक्सर देखा गया है कि ताजिर हजरात की मेज़ ऐसे कागजात से भरी पड़ी होती है जो हफ्तों से उनकी तवज्जो से महरूम है। न्यू ऑरलैंस के अशाती इदारे के मालिक ने तो यहाँ तक बताया कि मेरी सेक्रेटरी ने दराजों की सफाई की तो इसे एक टाइपराइटर मिला जो 2 साल से गायब हो चुका था। ऐसी मेज जो बेशुमार कागजात से भरी हो, इस पर एक निगाह डालना ही उलझन और परेशानी को दावत देने के बराबर है, जिसका नतीजा ये होता है कि कई काम अधूरे रह जाते हैं, जिसके बायस जहनी परेशानी और थकान होने की शिकायत पैदा हो सकती है। और मजीद ये कि ब्लड प्रेशर, कल्बी इमराज और मेदी की बीमारियां भी जन्म ले सकती हैं। पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जॉन स्टॉक्स ने अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के एक कन्वेंशन में मुकाला पेश किया जिसका मौजू था इमराज की पेचीदगियां और आसाबी निजाम पर उनके असरात। अब इस मुकाले में डॉक्टर स्टॉक्स ने ये साबित किया कि मेज पर से गैर जरूरी कागजात हटा देने से आदमी को मुसलसल जहनी परेशानी से निजात मिल जाती है, क्योंकि इस पर नामुकम्मल और अधूरे कामों का दबाव नहीं रहता। इस सिलसिले में डॉक्टर विलियम सैडलर अपने एक मरीज की मिसाल देते हैं जो इस सादा से उसूल पर अमल करके आसाबी तनाव का शिकार होने से बच गया। अब वाकया कुछ यूं है कि जब ये मरीज मेरे पास लाया गया, वो कहते हैं तो वो बेहद परेशान था। उसे इस बात का इल्म था कि काम का दबाव उसके आसाबी निज़ाम को दरहम बरहम कर रहा है, लेकिन वो काम छोड़ भी नहीं सकता था। डॉक्टर सैडलर कहते हैं, जब ये शख्स मुझे अपनी राम कहानी सुना रहा था तो मेरे फ़ोन की घंटी बजी। अस्पताल से फ़ोन आया था। मैंने किसी ताखीर के बगैर मुतल्लिका फ़र्द को टेलीफोन पर ही मशवरा दे दिया। मेरी हमेशा से यही कोशिश होती है कि मैं मसाइल का फौरी तौर पर ही फैसला कर लूँ। चुनाचे मशवरा देने के बाद मैंने अभी रिसीवर रखा ही था कि घंटी दोबारा बजी। इस मरतबा भी एक अहम और फौरी मामला दरपेश था। मैं दूसरे फ़ोन से फारिग हुआ ही था कि एक डॉक्टर दोस्त अपने किसी मरीज के सिलसिले में मशवरा तलब करने आ गया। इस मरीज की हालत बड़ी नाजुक थी, चुनाचे अपने दोस्त से फारिग होने के बाद मैं अपने मरीज की तरफ मुड़ा और माजरत की कि आपको इंतज़ार की जहमत हुई। लेकिन मैं ये देख कर हैरान हो गया कि मरीज पर तो एक और ही कैफियत तारी थी। उसका चेहरा चमक रहा था और वो बिल्कुल मुख्तलिफ शख्स दिखाई दे रहा था। मेरी माजरत के जवाब में उसने कहा, डॉक्टर साहब, माजरत की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने इन 10 मिनटों में अपनी बीमारी का सुराग लगा लिया है। मैं अब अपने दफ्तरी तरीक़ेकार को तब्दील करूँगा, लेकिन क्लिनिक से रुख्सत होने से पहले अगर आप बुरा ना मनाएं तो मैं एक नज़र आपकी मेज़ देखना चाहता हूँ।
मैंने अपनी मेज की तमाम दराजें खोल के उसे दिखाई, उनमें सिवाय दवाओं के और कुछ भी ना था। मरीज पूछने लगा कि आप अपने अधूरे कामों से मुतालिक कागजात कहाँ रखते हैं। मैंने जवाब दिया, मैं काम मुकम्मल करके फारिग होता हूँ। उस पर उसने फिर पूछा कि जवाब तल खतूत कहाँ रखते हैं। मैं इन खतूत का फौरी तौर पर जवाब दे देता हूँ। मैंने जवाब दिया कि मेरा उसूल है कि मैं खत वसूल करते ही अपने सेक्रेटरी को बुलाकर जवाब लिखवा देता हूँ। अब मैं कोई जवाब तल खत किसी और वक्त के लिए नहीं उठा रखता। 6 हफ्ते बाद इस शख्स ने डॉक्टर सेंडर को अपने दफ्तर में बुलाया। वो कतई तब्दील हो चुका था और यही तब्दीली उसकी मेज पर भी महसूस होती थी। उसने मेज की दराज खोली और बताया कि अब इनमें अधूरे कामों का कोई ढेर नहीं है। मेरे दफ्तर की 3 मेजें कागजात से भरी हुई थी और मेरा काम कभी ख़त्म ही नहीं होता था, लेकिन आपसे गुफ्तगू करने के बाद मैंने अपनी मेज़ को तमाम गैर ज़रूरी कागजात से पाक कर दिया। अब मैं सिर्फ 1 मेज़ पर काम करता हूँ और जो ही कोई काम आता है उसे फौरन ही निपटा देता हूँ। चुनाचे अब मेरी मेज़ पर काम का ढेर नहीं होता जो मुझे परेशान किए रखता था। इसके अलावा हैरतअंगेज़ फ़ायदा ये हुआ कि अब मैं मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हो गया हूँ और मुझे अब किसी किस्म की कोई उलझन या परेशानी भी नहीं। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस चार्ल्स एवंस ह्यूज का कहना है कि लोग काम की ज्यादती से नहीं मरते, वो जहनी इंतशार और परेशानी से मरते हैं। जी हाँ, वो अपने प्रगंधक जहन और नामुकम्मल काम के एहसास की नज़र हो जाते हैं। और दूसरा तरीका ऑर्डर ये लिखते हैं कि अहम काम पहले करें। सिटी सर्विस कंपनी के बानी हेनरी डोहर्टी का कहना है कि मैं किसी शख्स को कितनी ही तनख्वाह देने पर रजामंद क्यों ना हो जाऊं, लेकिन ऐसे शख्स का मिलना मुहाल है जिसमें 2 सलाहियतें हों। अव्वल ये कि उसमें सोचने की सलाहियत हो, दोम ये कि उसमें कामों को उनकी अहमियत के एतबार से तरजीह देने की अहलियत हो। चार्ल्स लुकमैन, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का आगाज नहायत अदना तरीके से किया और बाद में पेप्सोडेंट कंपनी के सदर बने, उन्हें $1,00,000 के मुनाफे के अलावा $1,00,000 सालाना तनख्वाह मिलती थी। उनका कहना है कि ये कामयाबी मैंने अपनी 2 सलाहियतों के बलबूते पर हासिल की। मैं हमेशा सुबह 5 बजे बेदार होकर अपने दिन भर के कामों को तरतीब देता हूँ और अहम कामों की दर्जा बंदी कर लेता हूँ, यानी पहले कौन सा काम करना चाहिए और बाद में कौन सा। कामयाब तरीन बीमा फरोश फ्रैंक बटगर अपने दिन भर का प्रोग्राम तरतीब देने के लिए सुबह होने का भी इंतज़ार नहीं करते थे, वो रात को ही अगली सुबह का प्रोग्राम मुरतब कर लेते। वो ये बात पहले ही से तय कर लेते कि अगले दिन कितनी पॉलिसियाँ फरोख्त करनी हैं, और अगर अगले दिन वो पॉलिसियों की मुकर्रा तादाद फरोख्त ना कर सकते तो वो इन बाकी मानदा को उससे भी अगले दिन के प्रोग्राम में शामिल कर लेते। मैं अपने तवील तजर्बे की रोशनी में ये कह सकता हूँ कि लोग अपने कामों को अहमियत के एतबार से पाया तकमील तक पहुँचाने में अक्सर नाकाम रहते हैं, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि अगर ज़रूरी काम पहले करने और कम ज़रूरी काम बाद में सरंजाम देने के लिए एक प्रोग्राम मुरतब कर लिया जाए तो यह अफरा तफरी के आलम में तमाम काम ख़त्म करने की कोशिश से बहरहाल बेहतर होता है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने अगर अहम कामों को पहले करने का उसूल ना बनाया होता तो वो बतौर मुसन्निफ कभी भी कामयाब ना होते और तमाम उम्र बैंक में कैशियर ही रहते हैं। उन्होंने ये उसूल बना लिया था कि रोज़ाना 5 सफ़े लिखे जाएं और इस उसूल पर वो 9 साल तक मुसलसल अमल करते रहे। रॉबिन्सन क्रूसो के बारे में मशहूर है कि वो ये तहरीर कर लिया करते थे कि दिन के मुख्तलिफ घंटों में कौन कौन से काम करने हैं। अब उधर तीसरा तरीका ये बताते हैं कि अगर कोई मसला दरपेश हो तो उसका फौरन फैसला करें, बशर्ते कि तमाम हकायक आपके सामने मौजूद हों। मसाइल के हल को हरगिज मुलतवी ना करें। मेरे एक तालिबे इल्म ने मुझे बताया कि जब मैं US स्टील कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मेंबर बना तो बोर्ड के इजलास में बहसें हुआ करती थी और बेशुमार मसाइल पर गौर किया जाता था, लेकिन ऐसे चंद ही मसाइल थे जिनके बारे में कोई फैसला किया जाता। चुनाचे होता यूं कि बोर्ड का मेंबर हर मेंबर इजलास के बाद रिपोर्टों का ढेर अपने साथ घर ले जाता ताकि इन रिपोर्टों का मुताला कर सके। ये एक थका देने वाला काम था। आखिरकार मैंने बोर्ड के मेंबरों को इस बात पर राजी किया कि फौरी तौर पर एक ही मसले पर बहस की जाए
और उसे मुलतवी करने की बजाय वहीं उसका फैसला किया जाए, चाहे ये फैसला सिर्फ इतना ही क्यों ना हो कि इस मसले के बारे में मज़ीद मालूमात फराहम की जाएं और हर मसले को किसी न किसी फैसले तक पहुंचाने के बाद ही दूसरे मसले को छेड़ा जाए। उन्होंने मुझे बताया कि इस उसूल पर अमल करने के निहायत ही खुशगवार नतायज सामने आए और काम निपटाने की रफ्तार में इजाफा हो गया। अब कागजात के पलंदों को घर ले जाना ज़रूरी ना रहा और तस्विया तलब मसाइल का बोझ भी ख़त्म हो गया। आपसे अर्ज है कि यह उसूल सिर्फ US स्टील कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए ही मुफीद नहीं, बल्कि मैं और आप भी इस उसूल पर अमल करके खुशगवार नतायज हासिल कर सकते हैं। चौथा तरीका ये है कि काम को मुनज्जम करना, दूसरों से काम लेना और उनके काम की निगरानी करना। जी बिल्कुल, दूसरों से काम लेना और उनके काम की निगरानी करना सीखें। कारोबार में मसरूफ बेशतर अफराद वक्त से पहले इसलिए मौत के मुँह में जा गिरते थे कि वो इस बात को गैर ज़रूरी समझते हैं कि कोई ज़िम्मेदारी दूसरों को भी सौंपी जाए। वो इस बात को तरजीह देते हैं कि तमाम काम खुद ही कर लें। चुनांचे इसका नतीजा ये होता है कि वो काम की गैर ज़रूरी तफसीलियात में उलझ कर परेशान हो जाते हैं। वो काम को जल्दी जल्दी ख़त्म करना चाहते हैं और चूँकि वो ऐसा नहीं कर सकते इसलिए आसाबी मरीज़ बन के रह जाते हैं। मुझे इस बात का एहसास है कि दूसरों को किसी अहम तरीन काम का निगरान बनाना बेहद दुश्वार फैसला है और मैं ये भी अच्छी तरह जानता हूँ कि ये मेरे लिए भी खासा मुश्किल काम है। और तजर्बे ने मुझे ये भी सिखाया है कि गलत किस्म के अफराद को इख्तियारात या जिम्मेदारी सौंप देने से किस कदर भयानक नतायज बरामद हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई ताजिर गैर ज़रूरी परेशानी और आसाबी कशीदगी से महफूज रहना चाहता है तो उसे यह फैसला करना ही पड़ेगा कि अपनी जिम्मेदारियों में दूसरों को भी शरीक करे। कोई ऐसा शख्स जो किसी वसी कारोबार का मालिक हो लेकिन मुनज्जम तरीके से काम करने और निगरानी के फन से ना आशना हो और दूसरों को अपनी जिम्मेदारियों में शरीक करने से गुरेज करता हो तो वो अक्सर 50-60 साल की उम्र में अख्तिलाज कल्ब का शिकार हो जाता है। इसका सबब महज परेशानियाँ और आसाबी कशीदगी होती है। अगर आप इस सिलसिले में कोई ठोस और वाज़े मिसाल चाहते हैं तो अखबार अमवात की खबरें पढ़िए, आपको यकीनन इस सच्चाई का सबूत मिल जाएगा। इसके साथ ही दूसरा बाब सेकंड चैप्टर ख़त्म होता है और हमारी मुलाकात का वक्त भी। इस किताब के 7 चैप्टर हैं जो मैं अलग अलग आपके लिए लेकर हाजिर होंगी ताकि आप इस किताब को समझकर इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा। इंशाल्लाह बाकी के चैप्टर्स भी बहुत जल्द अपलोड करूँगी। जाते जाते बस इतना ही कि अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा और हो सके तो मुझ नाचीज़ को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।